यही देखने को मिलता है कि कोई भी औलाद अपनी सौतेली माँ को इतनी इजीली अपना नहीं पाती। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला था तब जब मान्यता की शादी हुई थी संजय दत्त से। संजय की ये तीसरी शादी थी मान्यता से और मान्यता अपनी माँ के तौर पर सभी जिम्मेदारियों को निभा रही थी जब उनके बच्चे हुए थे, लेकिन उन्हें एक चीज का मलाल जरूर था कि कभी भी त्रिशाला, जो संजय दत्त की पहली पत्नी रिचा दत्त से उनकी बेटी है, वो कभी भी मान्यता को अपनी माँ के तौर पर अपना नहीं पाई। और ऐसे में जब उन्होंने उनको माँ के तौर पर अपनाया तो मान्यता का कहना था कि वो जिंदगी का सबसे अच्छा लम्हा था। दरअसल संजय दत्त और मान्यता जल्द ही फिल्म लेकर आ रहे हैं प्रस्थानम, और इस प्रस्थानम के इंटरव्यूज के दौरान, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मान्यता से जब बात की गई उनकी बड़ी बेटी त्रिशाला को लेकर, तो यहाँ खुलकर पहली बार बात करते हुए उस बारे में सामने आई है मान्यता। मान्यता ने कहा है कि संजय और मेरी शादी हो चुकी थी, हम काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन एक चीज की दिक्कत यहाँ ये आ गई कि त्रिशाला कभी भी उन्हें माँ के तौर पर अपना ही नहीं पाई। पूरे 12 साल तक त्रिशाला ने मान्यता को आंटी कहकर पुकारा है और मान्यता को कभी भी ये बात पसंद नहीं आती थी क्योंकि उस रिश्ते को वो अच्छा करना चाहती थी। उन दोनों के बीच बातचीत तो हमेशा ही हुआ करती थी, मुलाकातें भी हुआ करती थी, लेकिन जो वो बॉन्ड बनाना चाहती थी माँ और बेटी वाला, उसमें काफी ज्यादा वक्त लग रहा था। मान्यता का कहना है कि मैंने त्रिशाला को पूरा वक्त दिया कि वो मुझे समझ पाए क्योंकि मैं भी उन्हें समझना चाहती थी। हम एक दूसरे की इज्जत करते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन एक माँ और बेटी वाले बॉन्ड को बनने में ज्यादा से ज्यादा वक्त जरूर लगता है और उस चीज की मुझे बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट थी और मैं इस बात को लेकर खुश हूँ कि वो 12 साल सफल रहे क्योंकि उसके बाद आज हमारे बीच माँ और बेटी जैसा रिश्ता ही है और आज वो जब मुझे माँ कहकर बुलाती है तो मैं काफी ज्यादा खुश होती हूँ। मान्यता का यहाँ ये भी कहना है कि वो त्रिशाला के साथ मुलाकात तो करती ही रहती है लेकिन डेली उनके साथ बातचीत भी किया करती है। तो वहीं अपनी बातचीत के अंत में यहाँ मान्यता ने ये भी कहा कि संजय और उनकी बेटी त्रिशाला का बॉन्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग है लेकिन इनका बॉन्ड अच्छा है, इस वजह से दोनों की निभ जाती है, भले ही एक दूसरे से बात थोड़ी कम इनकी होती हो क्योंकि संजय काफी ज्यादा सख्त पिता है और ऐसे में संजय हमेशा ही ज्यादा से ज्यादा अपनी बात चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन त्रिशाला बड़ी हो चुकी है, बता दें कि 30 साल से ज्यादा की उम्र हो चुकी है और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है बेहद खूबसूरती के साथ, जहां उनका साथ उनकी मां मान्यता खूब देती है। मान्यता और त्रिशाला का रिश्ता खास हो चुका है, इस बात की खुशी हर किसी को है और इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। और हाँ, प्रस्थानम फिल्म को लेकर आप कितना एक्साइटेड हैं ये भी कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलेगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाए।